भोजपुर न्यूज भोजपुर जिला का एक आईना है। इस आईने में आज बिहिया नगर पंचायत की एक तस्वीर पर विस्तार से जानेंगे कि आखिर भ्रष्टाचार हो रहा है या विकास हो रहा है। ये सवाल बिहिया नगर पंचायत की जनता के दिलों में धड़क रहा है। आखिर क्यों ना धड़के, क्योंकि बिहिया नगर पंचायत का हृदय स्थली कहे जाना वाला ब्लॉक रोड निर्माण शुरू जो हो चुका है, जिसका दशकों से था बिहिया नगर पंचायत की जनता को इंतजार, अब वो इंतजार की घड़ी खत्म हो चली है। जिसको लेकर इस बात की खुशी तो है, लेकिन इसी खुशी के बीच बिहिया नगर पंचायत की जनता के दिलों में कई सारे सवालों की लंबी कतार उमड़ रही है। इस कतार में लाखों जनता के साथ साथ बिहिया नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष दीपक आलोक भी खड़े हैं। जाहिर सी बात है, आखिर खड़े क्यों ना हो जब बात उनके बिहिया नगर पंचायत की हो, और उसमें भी बात जब विकास की हो, और वो विकास कार्य जो कई दशकों से अछूता पड़ा था। अगर ये चाहते तो अपने कार्यकाल में भी इस बिहिया नगर पंचायत के दिल का निर्माण कर सकते थे। खैर, गिला शिकवा उस बात का नहीं है और न ही आरोप और प्रत्यारोप पर विश्लेषण करने का है। यहाँ पर बात बिहिया नगर पंचायत की जनता के दिलों में उमड़े सवालों के जन सैलाब पर हो रही है। राशन न कि राशन मिला था, न घर न द्वार बनाता, तो हमने कहे झोपड़ी में कैसे रह जा लेके लोग लेके लेके। मैं तो घर न द्वार कैसे नहीं बन रहा सब, राशन राशन तो आप लोग को तो मिलता ही है। नहीं मिलता है, नहीं क्या मिलत, कुछ न क्या मिलत, न राशन मिलता न कि राशन मिलता है। अभी बिहिया के कई वार्डों में काम चले, आप जाकर देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं कितने काम तरीके से हो रहे हैं, कितने घटिया तरीके से हो रहे हैं। लोगों को केवल काम होने से मतलब, केवल उनको देखना चाहिए कि उनके सामने हो रहा है तो काम कैसा हो रहा है, कैसा है ना। अभी ब्लॉक रोड में काम हो रहा है, हम भी देखेंगे कि वहाँ काम कैसा होता है। अब तो चूँकि चालू हुआ है, अभी काम शुरू ही हुआ है, तो हम लोग सारे लोग उसका एस्टीमेट पहले हम एस्टीमेट देखेंगे, एस्टीमेट मांगेंगे और काम को हम लोग देखेंगे। कई जगह हमने किसी न किसी माध्यम से हम लोग शिकायत करते हैं, लेकिन उस शिकायत को अनसुना कर दिया जाता है। लेकिन अब ये चीज़ अनसुना करेंगे तो हम लोग ऊपर तक जाएंगे। काम हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन काम बेहतर ढंग से हो, हमारा ये कहना है कि काम जो हो धरातल पे वो सही है, सही हो। जहाँ तक मैंने सुनी है अभी तक जो विभागीय काम हो रहा है, तो मैंने सुना ही है, जैसे और सुनते हैं, मैंने भी सुना है कि विभागीय काम में 50% से भी ज़्यादा कमीशन लिया जा रहा है। अब 50% ज़्यादा कमीशन लिया जा रहा है तो जो काम कराने वाला है वो भी कुछ कम आएगा, तो धरातल पर लगेगा क्या? 25 से 30 रुपये, 100 रुपये, 25 से 30 रुपये में काम हो रहा है, बहुत जगह हुआ है, तो इतना घटिया काम हो रहा है कि क्या करेगा। सवाल नंबर एक की जो काम हो रहा है वह टेंडर प्रक्रिया से हो रहा है या विभागीय तरीके से हो रहा है। सवाल नंबर दो की काम जैसा भी हो रहा हो बिहिया नगर पंचायत की जनता के सामने पारदर्शिता के साथ हो। सवाल नंबर तीन, अगर टेंडर प्रक्रिया से हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर विभागीय हो रहा है तो इतना बजट का काम कैसे एक बार में हो रहा है। सवाल नंबर चार, काम जैसा भी हो भ्रष्टाचार मुक्त और गुणवत्ता के साथ हो, क्योंकि कई दशकों के बाद काम हो रहा है, क्योंकि इसी रास्ते से बिहिया थाना प्रखंड स्टाफ और साथ ही साथ पूरी जनता भी भारी वाहनों के साथ आती जाती है। सवाल नंबर पांच की जनता इसलिए जानना चाहती है क्योंकि आए दिन रोड नाली गली सरकारी भवन और पुल पुलिया बनते के साथ ध्वस्त हो जाते, जो यह जीता जागता उदाहरण बिहिया नगर पंचायत की जनता के सामने है। अब छठा और अंतिम सवाल की चुनाव के समय बहुत सारे बरसाती मेढक चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, अब जब बात बिहिया नगर पंचायत के विकास की है तो सभी लोग कहाँ गायब। इन सभी सवालों में कुछ सवालों का जवाब मांगने के लिए जब भोजपुर न्यूज की टीम ने बिहिया नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को कॉल घुमाया तो घंटी बजती रह गई, लेकिन शहाब का कोई जवाब नहीं मिला। तब भोजपुर न्यूज की टीम ने धरातल पर उतरकर जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी, तो पता चला कि कुछ दिनों पहले इन सभी मुद्दों को अखबारों के जरिए प्रकाश डाला गया था, जिसमें विभागीय और टेंडर वालों कामों में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं इसी को लेकर लिखा गया था, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन आप सबने एक कहावत सुनी होगी, दूध का दूध और पानी पानी, यही तो हुआ उस अखबार के माध्यम से। लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी विभागीय अधिकारी और नगर पंचायत के बोर्ड पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि आज भी विकास की बात हो या बात भ्रष्टाचार की हो बिहिया नगर पंचायत में उसी तरीके का सिलसिला चला। वही दूसरी तरफ अगर बात करें तो सभी को याद होगा कि यही वो नगर पंचायत जहां एनजीओ की गड़बड़ी सामने आई थी, उस वक्त नगर के सभी सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए थे क्योंकि उनका पैसा भुगतान नहीं किया जा रहा था, क्योंकि उसमें भी बहुत बड़ा झोलम झेल था। इस स्टोरी में बस इतना, अगली बार सवालों के साथ आरोप और प्रत्यारोप और किए गए भ्रष्टाचार पर पड़ताल कर जिले अधिकारियों और नगर पंचायत की जनता तक रखी जाएगी। इस खबर को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाइए, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए।